नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर बिजनौर की बड़ी खबर। बिजनौर में एक रेप पीड़िता से चौकी इंचार्ज का फोन पर अश्लील बातें करने का ऑडियो सामने आया है। पीड़िता ने एसपी से दरोगा की हरकतों की शिकायत की, इसके साथ ही एक ऑडियो भी सौंपा। एसपी ने ऑडियो की जांच कराई, उसमें अश्लील बातें सामने आने पर एसपी ने चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बिजनौर के कस्बा झालू की रहने वाली महिला ने हल्दौर थाने में 12 सितंबर को आरोपी सोएब के खिलाफ मैसूरी में एक होटल में दुष्कर्म करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच हल्दौर थाने के झालू चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह कर रहे थे। पीड़ित महिला बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी नीरज कुमार जादौन से जन सुनवाई के दौरान मिलकर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र दिया। पीड़ित ने दरोगा पर आरोप लगाया कि दरोगा ने इसी केस की विवेचना के सिलसिले में 17 अक्टूबर को मैसूरी बुलाया था। बाद में उसने दिलेराम चौराहे देहरादून पर मिलने के लिए बुलाया था। मैं अपने एक दोस्त के साथ उसी जगह पहुंची। वहां चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह, एक महिला कांस्टेबल, एक कांस्टेबल भी थे। उसके बाद उसने मुझसे और मेरी मित्र को कार में बैठा लिया। उसके बाद हम लोगों को मैसूरी ले गया, उसी होटल के कमरे में पूछताछ की जिसमें मेरा रेप हुआ था, उस कमरे का रिकॉर्ड लिया। उसके बाद दरोगा मुझसे कह कि रात तुम मेरे साथ कमरे में रुक जाओ, महिला कांस्टेबल के साथ तुम्हारी मित्र के साथ रुक जाएगी, इसके बाद कल दिल्ली चलेंगे। मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ अश्लील बातें करने लगा। इसके बाद मैंने उसका हाथ झटक दिया। इसके बाद मुझे लेकर देहरादून आ गया। देहरादून में शराब पीकर मेरे साथ अश्लील बातें करता रहा, कहा कि एक रात मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हारे मुकदमे की जाँच कर रहा हूँ। मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं केस से बड़ी बड़ी धाराएं निकाल दूंगा। मेरे कंधे पर हाथ रखकर धमकाया और दिल्ली चलने के लिए कहने लगा। मैं किसी तरह वहां से बचकर देहरादून में ही अपने रिश्तेदार के पास चली गई। उसी रात चौकी इंचार्ज ने फोन किया और मुझसे अश्लील बातें की। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। एसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बातों की रिकॉर्डिंग एक महिला उप निरीक्षक से चेक कराई, उसमें अश्लील बातें सामने आई। एसपी नीरज कुमार जादौन ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए झालू चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण की जांच अतिरिक्त संप्रेस प्रकोष्ठ को सौंप दी है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने जिले भर में तैनात सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि ऐसा कोई कृत्य न करें। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह रिपोर्ट। दोगी? हाँ सर, मैं आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ। परसों समय दोगी फिर? हाँ सर, आ रही हूँ मैं परसों, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी जी बात। जी जी, इससे बड़ी बात नहीं है, मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपसे। जी सर, बिल्कुल। इससे बड़ी बात तो नहीं है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्या मेरा ख्याल नहीं रखोगी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? मेरा ख्याल नहीं रखोगी तुम? बिल्कुल सर, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लेकिन माँ बरेली चिंता राजपूत से बात बताना कोई हमारे बारे में, आप अपने हमारे बारे में। अच्छा ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगी, सर को बोल दूंगी। क्योंकि मैं देखो ईमानदार से बता दूं, मैं ईमानदार से बता रहा हूँ जी सर, मैं बहुत महादर्शोत आदमी हूँ, मैं बिगड़ जाऊंगा 100%, मैं बात ना मानता फिर किसी की भी। ठीक है सर, मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए कितने गए। जी सर, जी जी, अफसर हूँ मैं, अफसर हूँ जी सर, जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं गलत काम कोई करता नहीं तो क्यों दबाऊंगा किसी से यार। हाँ सही बात है, है? बिल्कुल सर, क्यों उनको दबाना। तेरी जो रसूख है, तेरा जो रसूख है, तेरे काम करा दिया ठीक है, हम कर रहे हैं सही बात। बाकी अगर हमें दबाव मिले
दबाव मिले तो हमें नहीं ले पाएगा। हाँ सर, दबाव में तो कोई किसी नहीं ले पाता, सही बात है भाई। मुझे बुरा लगा है भाई, देता ईमानदारी से मैं अपने दिल पर ले गया उस चीज को। आपका नाम? निदा। क्या मामला है आपका, क्या दिक्कत वो हुई आपको? आपका क्या नाम है? निदा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं झालो मोहल्ला मौलवियान। आपका क्या मामला हुआ? सर मैंने केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ, उसने मुझसे शादी की थी सुहेब ने, और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है और लड़का जब से गायब है। तो जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है, और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम SI झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा, तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे, उसने बोला। तो मैं वहाँ गई देहरादून, 11 बजे पहुँच गई थी, 3 बजे वो आए वहाँ पर और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना। तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई थी, प्रियंका को। फिर उसके बाद वो उन गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल थी, एक और कांस्टेबल था और दरोगा था वो, जो SI वो है धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने अपनी गाड़ी में हम दोनों को बिठा लिया। उसके बाद वो मुझे वहाँ मसूरी लेकर गए, मसूरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तो वहाँ रजिस्टर जो एंट्री थी वो एंट्री उन्होंने देखी, एंट्री उसमें थी तो उन्होंने उसकी फोटोकॉपी कराई, उसके जो वहाँ का मैनेजर था जो वहाँ पर था उसके साइन करा के उन्होंने उस पर उसकी मोहर लगवा करके वो वहाँ से सारे प्रूफ ले लिए कि यहाँ पे ठीक है रुके थे। उसके बाद वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या। मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है तो थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा तो यहीं रुक जाते हैं, तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कॉन्स्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली भी चलना है ना, तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतज़ाम करा के दो, किसी को बुला के दो। तो मैंने उनसे वहाँ मना कर दिया। उसके बाद वो वहाँ मसूरी से देहरादून आए, देहरादून में दिलाराम चौक पर मेरी फ्रेंड उतर गई, उसका घर वहीं था, वहीं रह रही थी वो। उसके बाद वो घंटा घर रुके चाय पीने के लिए, तो जो महिला कांस्टेबल थी और जो एक और कांस्टेबल थे सुजीत तोमर करके, हम चाय पीने के लिए घंटा घर में जो टी पॉइंट है वहाँ पर बैठे, और जो दरोगा थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ड्रिंक की, वो बॉटल लेके आए हुए थे अपनी, वो ड्रिंक करने के बाद वो वापस गाड़ी से उतरे, फिर वापस मुझे हाथ मेरे बार बार कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटा ही दूंगा, या तो तुम ऐसा करो या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ, और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा, और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा, कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रखना है, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी धाराएं वाराएं तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में, बाकी कुछ होगा नहीं। उसके बाद मैंने उनसे ये कह के मना कर दिया कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ वापस यहाँ नहीं आई, यहाँ लाने के लिए साथ में बोल रहे थे कि साथ ही चलो घर पे क्योंकि कल फिर दिल्ली जाना है। तो मैंने उनसे ये बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं अपने चाचा के घर रुकूंगी, तो मैं कल आऊँगी, कल या परसों आऊँगी, उनको ये बोला। मैं अपने चाचा के घर गई, जैसे ही चाचा के घर गई उनकी व्हाट्सएप पे कॉल आई मेरे पास कि तुम पहुँच गई और तुम्हारे पास में कौन कौन है। तो मैंने बोला मेरी चाचा की बेटी है और मेरी चाची खाना बना रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो? मैंने बोला सर इस पर व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग कैसे होगी, मेरे चाचा पास में थे। तो मैंने अपने चाचा को बोला चाचा इस पर रिकॉर्ड कर लो ये कॉल अपने फ़ोन से। तो उन्होंने वीडियो बनाई है उस कॉल पे रिकॉर्ड किए, तो उसमें भी वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि झालू में अपनी कोई फ्रेंड लेके आओ अपने साथ। तो मैंने उनको बोला सर मेरी झालू में कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और सब अपनी अपनी ससुराल में है, तो सब ससुराल में तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं अपने घर हूँ। तो फिर वो तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा, अगर फ्रेंड नहीं आएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास जब भी मैं बुलाऊँगा, तो झालू में आके टाइम दो मुझे। आपकी शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब कितने कब हुई थी? मेरी 9 सितंबर 2022। जब विवाद कब से है शादी के? ये और नवंबर दिसंबर से है, दिसंबर से ये चीजें चल रही हैं। शादी के कुछ समय बाद से? हाँ शादी के कुछ समय के बाद से सब चीजें चल रही हैं, और यहाँ पर फिर रिपोर्ट नहीं हो पाई थी मेरी, वो उसका जो मामा है वो मुझे बार बार जान से मारने की धमकी देता है। अभी 15 सितंबर को जिस दिन मेरे 161 के बयान थे
उस दिन भी उसका मामा यहाँ आके, जो यहाँ के चेयरमैन है उनके पास आके उसको दरोगा को कॉल की थी। जब मेरे 161 का बयान थे, मेरे सामने ही कॉल आई थी कि वो आए हुए हैं। फिर दरोगा उनसे मिला है, उनसे जो भी है। उसके बाद उसके मामा मुझे यहाँ झालू में मिले थे और फिर वही बोल रहे थे कि दरोगा को तो हमने देख लिया है, केस वेस तो बनेगा नहीं और बाकी वापस ले लें, नहीं तो जान से मार देंगे। आपने हल्द्वार थाने में मुकदमा कब लिखवाया था? हल्द्वार थाने में मैंने शुरू में तो मार्च में लिखवाया था, लेकिन मार्च में मेरा कोई यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। तो अभी मैं फिर एडीजी के पास गई थी बरेली जोन में, तो उन्होंने मुकदमे के लिए किया था। तो ये अभी सितंबर में ही मुकदमा हुआ है, अक्टूबर लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सुहेब अहमद। वो जो आप मारने की धमकी दे रहे हैं, उनका मामा का क्या नाम है? अवेश अहमद, अवेश इकबाल। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो है तो नहटोर के रहने वाले, रहते दिल्ली में, उन्हीं के पास ही। जी मामा उन्हीं के हैं वे? जी जी। 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्द्वार थाने पर अपने ससुराल जनों के विरुद्ध दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी। कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं। इन बातों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक सबप्रेक्षा प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है। जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।